नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने जो आम के जो पौधा होता है उसमें हम लोग ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, ये तरीका यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आम का पौधा है इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे और इसमें जो है ना ये हम लोग लगाएंगे इसको, ठीक है। ये वाला आम का पौधा मैंने दूसरे से काट के लाया था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो पौधा है इसको आप क्या करना है कि काटने से पहले आपको समझ लेना है कि इसको कितना में काटना है, ठीक है। तो इसमें एक भीत ऐसे होता है ना, ऐसे करके आपको नाप लेना है। जैसे इसको नापते हैं तो दिल पे पत्थर रख के इसको यहाँ से ऐसे काट देना, ओके। ये मैंने यहाँ से इसको काट दिया, ठीक है। अब बात आती है कि जिसको हम लोग लगाएंगे ये वाला, आपको इसका जो मोटाई होता है उस हिसाब से पहले देख ले कि इसको कितना कौन सा मोटाई इसको यहाँ पर एडजस्ट होगा। तो इस हिसाब से यहाँ से मैं इसको कट लेता हूँ, कट कर लेता हूँ। और इसका जो पत्ता है, सारा पत्ते को क्या कर लेंगे हम लोग, कट कर लिया मैंने, ठीक है। तो इसका जो पत्ता होता है ना, ये सारा पत्ते को यहाँ से ऐसे करके काट देना है, ओके। ये मैंने इसको काट दिया, पत्ते को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। काटने के बाद जो ये है इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले छीलेंगे ऐसे करके। देखिए कैसे छीलना है, त्रिकोण उसमें छीलना है इसको, थोड़ा लंबा करके देखिए ऐसे, ओके। थोड़ा और ज़्यादा छीले ताकि बांधने में आपको आसान हो। देखिए ये जो हो गया इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसे पतला होना चाहिए और यहाँ होगा तो और छील सकते हैं, ओके। इतना हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि इसमें ये मैंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने रख दिया है और इसको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर जो हमने काट दिया है इसको, इसको यहाँ से बीचों बीच चीरना है। इतना ही चीरना है जितना आपको इसको नाप ले पहले, इतना ही आपको देना है, इसे ज़्यादा नहीं चीरना है, ठीक है। इसको चीर दे रहा है यहाँ से ऐसे करके, या तो जैसे भी आपको जैसे सहूलियत हो उस हिसाब से आपको इसको बीचों बीच ऐसे करके चीर देना है, आराम से, कहीं साइड ना हो जाए, बहुत ध्यान से। और देख लेना है नाप के कहाँ तक ये जाता है, और उसे ज़्यादा ना करें ताकि बाद में फिर उसमें दिक्कत ना हो आपको ये लगने में, ठीक है। थोड़ा सा और कर लेता हूँ, ओके। इतना हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको आराम से जहाँ तक जाता है ऐसे करके लगा देना, ओके। ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पन्नी होती है घर पे हम लोग सब्जी वब्जी लाते हैं वो वाला जो पन्नी होती है, इससे क्या करेंगे टाइटली इसको पहले ऐसे करके टाइट कर देंगे, ऐसे करके जैसे भी होता है आपको इसको टाइट करना है, एकदम ये सटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके एकदम टाइट होना चाहिए, देखिए ऐसे पूरा टाइट होना चाहिए। बाकी आप इसके जगह में कोई दूसरा चीज़ आपको मिलती है इस तरह का, टेप वगैरह होता है, वो टेप भी आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए ये हो गया ऐसे, टेप भी आप लगा सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। तो मेरे पास टेप नहीं था तो मैंने सोचा कि इसी से बांध देता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा से टाइट करना होगा आपको कि ताकि इसके अंदर में पानी ना घुसे, और इसमें जो इसको लगने में थोड़ा इसको वो टाइट एकदम होना चाहिए, एकदम टाइट। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे टाइट होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पर कर लेते हैं पूरा को, उसके बाद आगे बताऊंगा।
देखिए ज़्यादा भी नहीं लगाना है, मोटा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसको पूरा टाइट कर लिया एक बार। तो यहाँ पर मैं इसको बांध देता हूँ, ठीक है, और यहाँ तक मैंने क्या किया, इसको इतना में बांध दिया। चलो ओके, इतना मैंने इसको बांध दिया। अब ज़्यादा भाग को मैंने यहाँ पर यहाँ से काट दिया ऐसे करके। ओके, ये हमारी जो ग्राफ्टिंग है ये ग्राफ्टिंग हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा टाइट करने के लिए इसके जगह में दूसरा कोई रस्सी वगैरह होता है या रबर उबर होती है छोटा वाला, उससे भी आप इसको टाइट कर सकते हैं। ऐसे करके दिखा देता हूँ मैं आपको, मेरे पास एक छोटा सा रबर है, इस रबर का मदद से मैं इसको क्या कर लेता हूँ, टाइट कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई ये नहीं है, अपने घर में भी आसानी से कर सकते हैं इस चीज़ को। ओके, जो सॉरी टूट गया, ज़्यादा टाइट हो गया क्या। ओके, ये हो गया, इसको मैं क्या करूँगा, इसे करके लपेट दूँगा यहाँ पर, ताकि ये पन्नी टाइट रहे और ये लगने में आसान हो, ऐसे करके। तो रबर में यही खासियत है कि आप छोटा भी लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसको आप लपेट सकते हैं, क्योंकि ये रबर है। तो यहाँ पर मैं इसको पूरा ऐसे करके लपेट देता हूँ, टाइट होना चाहिए फ्रेंड्स, ताकि इसमें हवा एंट्री ना हो, हवा लगे या बारिश भी होगी तो बारिश भी पानी भी इसमें नहीं घुसना चाहिए, और तभी जाके इसमें ये आपको इसमें से पत्ता निकलना स्टार्ट होगा, ये लग जाएगी ये। अब देखते हैं कि ये कितना दिन में लगता है, तो ये इसका भी अपडेट में आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी आपको। और इतना हो जाने के बाद मैं इसको यहाँ से बांध देता हूँ दोनों को। ओके, बस ये हमारी जो ग्राफ्टिंग है ये रेडी हो चुका है, और देखना है कि कितना दिन में इसमें से ऊपर से पत्ता निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर दिखा देता हूँ उसमें। ओके, ये हो गया। अब देखिएगा, 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन के बाद यहाँ से जो है इस पर्सन में से पत्ता निकलना स्टार्ट हो जाएगा, देखते हैं कितना दिन निकलता है, ठीक है। दोस्तों, आज ग्राफ्टिंग का 10 दिन हो चुका है और 10 दिन का जो रिजल्ट है आपके सामने में है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सारा में जो है कि पत्ती आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ग्राफ्टिंग के लिए हमने जो ये पन्नी लगाए थे, इसको हम लोग ने इसको बना हुआ था, तो इसको मैं यहाँ से हटा के देखता हूँ कि आखिर इसमें क्या है कंडीशन, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ, तो आराम से इसको कट करना है ताकि आपका पौधा जो उखड़ ना जाए। तो इसको यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ पहले। तो कैंची से दिक्कत होती है तो आप ब्लेड का भी सहारा ले सकते हैं या कोई नाइफ का भी सहारा ले सकते हैं जिससे ये कट हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर कट हो गया है, तो इसको यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं।
तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल है। आप देख सकते हैं कि ये अच्छा से इसमें हो गया। मैं नीचे से आपको ठीक से दिखा देता हूँ। देखिए ये जो ग्राफ्टिंग है ये एकदम चिपक गया है। इसके कारण क्या हुआ है, इसमें अब पत्ती आना भी स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये 12 दिन के बाद का अपडेट है। देखिए यहाँ पर जब पत्तियाँ आ रही है बहुत काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने क्राफ्टिंग किया था वही वाला पौधा है और ये काफ़ी अच्छा से ग्रो कर रही है और इसमें पत्तियाँ घना होना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। अपने दोस्तों के साथ भी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक लेकर टेक केयर, बाय बाय।